हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल सौरभ वर्मा ब्लॉग्स को। हर एक नई जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हर रोज़ नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। ठीक उसी प्रकार आज भी मैं एक सच्ची घटना आधारित एक किस्सा है सुनाने वाला हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए, शायद आप लोगों को कुछ लोग हों जो उस घटना से वाकिफ़ हों लेकिन कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। ये बात है 1975 की। उस समय सीएम हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी जी। घटना उसी की समय की है, बरेली की घटना है। एक फेमस, उस समय क्या रहता था, उस समय डाकुओं का राज रहता था। डाकू और ये सब डकैती ज़्यादा होती थी। और कहने में भी सुनने में भी आता होगा कि आप लोग पुरानी बातें सुनते भी होंगे गांव में अपने बुज़ुर्गों के द्वारा, कि डाकू आते थे घोड़ों से, 40-50 एक गिरोह होता था उनका। एक गिरोह में लगभग 30-40 डाकू होते थे। तो ठीक उसी प्रकार एक घटना हुई थी बरेली में। बरेली में एक जगह पड़ती है, बरेली में जो जिन्होंने उस डाकू का इनकाउंटर किया था, शायद उनकी पोस्टिंग बरेली में ही थी। तो उनका मैं सर का नाम जिक्र अभी करूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं उस डाकू का आतंक कितना खूंखार था। लोग बताते हैं कि वो डाकू, उसका नाम था रूपा डाकू, काफ़ी चर्चित था और बुंदेलखंड एरिया में भी उसका नाम बहुत फेमस था। तो वहाँ के जो एसपी थे, ज़्यादा आतंक उसने अपना जमाया, फैला दिया इधर उधर, जिससे जनता परेशान हुई। और वो लूटपाट तक उसका सीमित नहीं था। जैसे एक होता है कि आदमी लूटपाट करता है, वो अलग किस्म का था, दुष्ट प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं हवसीपन। तो वो जहाँ कहीं लूटपाट करता था तो वहाँ जो महिलाएं थीं और जो छोटे बच्चे थे उनको मारता था, और जो महिलाएं थीं उनकी जो है उनका शोषण करता था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती रहीं। अब शासन को भी इस चीज़ की दिक्कत होने लगी कि जो जनता है वो मांग करने लगी, वहाँ के लोकल जो लोग रहते थे, वहाँ के लोग परेशान हुए। उन लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया। जब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो जो वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे, कोतवाल साहब के गौतम, तो के गौतम सर को जब ये संज्ञान में आया कि यहाँ कोई रूपा डाकू है, हालांकि उन्होंने उस, जैसे कभी कभार होता नहीं है कि जब ज़्यादा कहीं कोई चीज़ ज़्यादा चर्चित हो जाती है तो सारी स्टेशनों पे एक कवर फोटो बना के भेज दिया जाता है कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तो ठीक उसी प्रकार उनके थाने में भी एक फ़ोटो आया कि इस व्यक्ति को, फला फला आदमी को आप लोगों को पकड़ना है, या आपके हलके में या क्षेत्र में दिखे तो इसको शूट करना है, ये डाकू है। तो इतनी बातें मतलब हल्की हल्की संज्ञान में हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बुंदेलखंड ज़िला में पड़ता है खुर्जा, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो खुर्जा थाने के वो कोतवाल थे, तो वहीं एक घटना है, वो आता है एक आदमी, वो सर के सामने बैठता है, तो उनसे, सर से मुलाकात करता है, बताता है अपनी सच्ची घटना कि जो रूपा डाकू था उसने मेरे भाई को बुलाया, और बुलाया क्योंकि बुलाया इसलिए था क्योंकि रूपा डाकू भी खुर्जा का ही रहने वाला था। तो खुर्जा एक तहसील थी, वहाँ उसी आसपास कोई गांव होगा, उसी का रहने वाला था। तो वो जब आता है, बताता है, सारी जानकारी देता है सर को कि हमारा भाई
और हमारे भाई का दोस्त, दो लोगों को रूपा डाकू ने बुलाया था कि मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। किसी कारणवश उन लोगों ने मना कर दिया, या उन लोगों को ये पसंद नहीं था लूटपाट करना, तो उन लोगों ने मना कर दिया साफ साफ। जब मना कर दिया, तब जो उसका दोस्त था जिसके साथ वो गया था, उसके सामने उसको, जो उसका भाई था और उसका दोस्त गया था, तो उसके दोस्त के सामने उसके भाई को 4 गोलियां मार दी, उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब जो उसका दोस्त था वहाँ से आता है गांव में, बताता है अपने जो उसके भाई थे उसको पूरी घटना की जानकारी देता है कि आपके भाई को रूपा डाकू ने मार दिया है। इधर जो है, इतना सब सुनते हुए जो कोतवाल साहब थे, उनको हैरानी हुई कि आप, इतनी बड़ी घटना हो गई तो इसके लिए आप क्या, मतलब क्या मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलने लगा सर से कि आप जो है रूपा डाकू को आप ख़त्म कर दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए। कहें ठीक है। तो उसी समय इन्होंने सर ने, जो के गौतम सर हैं, वो अपने थाने से जो है 3 दिन का अवकाश लेकर अपने घर जाते हैं, क्योंकि ये मथुरा के रहने वाले थे। तो इनके माता पिता जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के, तो वहाँ कोई मथुरा में रहता नहीं था, इसीलिए ये अपने घर और अपने गांव को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ जो लोग हैं इनके परिचित, उनसे मिलने के लिए जाते हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन का काम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ गए, लोगों से मिले, जानकारी हुई, और वहीं उसी टाइम उनका एक भाई था के सर का, के गौतम सर का, जो बाद में DSP बने। जब रूपा वाला कांड हुआ था उसके बाद में ये DSP भी बने, तो अब DSP कह सकते हैं। तो DSP के सर ने, जो उनका भाई वहाँ आया, वही देखभाल करने लगा गांव की ज़मीन और वो सब, वहाँ वो पढ़ाई भी करता था और वहीं रहने लगा। तो उससे कुछ जानकारी वहाँ देते हुए और उसको कुछ पैसे देते हुए कि यहाँ रहो, उसी दिन वो सर वापस आ गए, के सर। जब वापस आ गए तो उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के जो SSP थे राम स्वरूप, तो उनसे जो है उन्होंने फ़ोन किया रात 2 बजे कि क्यों आपको, तो आपने तो छुट्टी ली थी 3 दिन की, अचानक आप वापस कैसे आ गए। तो के सर ने कहा कि मैं वापस इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहाँ जिससे मिलना था वो मिले नहीं, और थोड़ा बहुत काम था, इसीलिए वापस चला आया। तो SSP साहब हंसते हुए बोले कि आप अपनी कोतवाली को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं और उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो सर ने, जो के सर ने हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर सर मैं ही अगर छुट्टियां लेता रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे नीचे के कर्मचारी वो भी डिमांड करेंगे। तो ये बात सुनकर वो SSP सर बहुत उनसे प्रसन्न हुए। इतने में ही बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में एक थाना था, शिकारपुर शायद, वहाँ भी शिकायत आई। वहाँ जब शिकायत आई, जानते हो क्या, वही रूपा डाकू की। वहाँ भी लोगों ने कहा कि एक घर में जो है रूपा डाकू ने लूटपाट की और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपनी हैवानियत का प्रूफ देते हुए उसने 2-3 लोगों को बहुत मारा है बेरहमी से। इतना बताते हुए जब, अच्छा, इधर इन लोगों को पता चल गया था, इधर हाँ एक वाक्या और इसमें जुड़ा है। जब ये गांव जाते हैं तो वहाँ से वापस आते हैं, इनकी मुठभेड़ होती है। इन दिनों में रूपा डाकू का भाई अहमदनगर जंगल उधर पड़ता है। जब आप जाओ, रूपा डाकू का जो भाई था उसको मार दिया जाता है। इतना सुनते हुए रूपा डाकू का जो भाई था वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब गुस्सा तो जायज़ था, वो अपने भाई का बदला लेने के लिए जो कोतवाल साहब थे, के साहब, उनको उनके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है उनकी जान के, कि इनसे मैं बदला लूँगा ज़रूर। ऐसे ही वाक्या हो, ऐसे चलता रहता है धीरे धीरे, दिन गुजरते रहे। एक दिन क्या हुआ, ऊपर से आदेश आया कि जो शिकारपुर थाने में आपका ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो वहाँ शिकारपुर थाने के क्षेत्र के बगल एक जगह थी जहाँ ठाकुर लोग रहते थे, वहाँ आम की बाग थी। तो कुछ ठाकुर आते हैं, रंजीत सिंह जिनका नाम होता है, वो आते हैं, उनसे मिलते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ रूपा डाकू आता है, क्योंकि वो 20-30 एकड़ की बाग थी, 20-30 एकड़ की बाग मानी थी, तो उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ थी जिससे छुपने में बहुत आसानी होती थी, इसलिए वो वहाँ रुके, मतलब वहाँ रुकने के लिए आते थे मिलने मिलाने के लिए। तो जो रंजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने के सर से बात की कि सर मैं आपको पूरा प्रूफ बताऊंगा कि कहाँ कब और कैसे रूपा डाकू यहाँ आता है, मतलब मुखबिर टाइप का। और उधर उसका जिसका भाई रूपा डाकू ने मार दिया था, जो अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था जिसको, उसका भाई भी सर से बोल के गया था कि सर आप मार दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, और जैसे भी जहाँ कहीं जिससे मिलेगा या जहाँ डकैती डालेगा, मैं आपको पूरा उसका पता और क्या करता है सब कुछ बताऊँगा, कहाँ रुकता है ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा। तो सर ने कहा ठीक है। तो रामपुर के पास रामपुर शायद नाम नहीं याद आ रहा, तो जहाँ मुठभेड़ हुई थी वो बता रहा हूँ, आम की बाग जो थी उसी में सब लोग आके जो है अपना मिलने मिलाने लगे या कुछ खाना है। लेकिन उधर उनको पता नहीं चलने दिया। इधर एसपी साहब ने कहा कि ऐसा है, आपको फोर्स और मंगा लेना चाहिए। तो के सर से बोला गया, तो उन्होंने फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई, 50 जवान मंगाए और कुछ हथियार भी अच्छे खासे जो थोड़ा हाई लेवल के, आधुनिक लेवल के थे, तो हथियार मंगाए। फिर उसको जंगल, मतलब जो जंगल था, जो आम की बाग थी, उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया फिर वो अपना माइक में बोलते हैं कि मैं के गौतम कोतवाल बोल रहा हूँ, आपको आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। रूपा डाकू से बोलते हैं कि आप अपने हथियार डाल दो। इतना सुनते ही जो रूपा डाकू होता है वो कोई जवाब नहीं देता। फिर दोबारा ये कोतवाल सर कहते हैं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो अपने हथियार डाल दीजिए और हाथों को ऊपर करके सरेंडर कर दीजिए। इतना कह करके जब इतना बोल देते हैं तो उधर से फायरिंग होने लगती है। अच्छा, इधर प्लान क्या था के सर का, वो मैं बताना भूल गया। इधर सर का प्लान था कि जो कुछ कॉन्स्टेबल थे उनको शादी वर्दी में कर दिया गया और कुछ को वर्दी में ही रखा गया, लेकिन उनको एक वाइट या पीली, यानी येलो या वाइट शॉल से ढक दिया था, मतलब जैसे शॉल नहीं ओढ़ लेते हैं ठंड में, जैसे हम लोग साल नहीं ओढ़ते हैं, उसी प्रकार से उन लोगों ने साल को ओढ़ लिया जिससे उनकी वर्दी ना दिखे। अब वहाँ जो है जिसको जहाँ पे तैनात करना था उसको तैनात कर दिया गया। अब कुछ जो उनको चाहिए था, क्योंकि वो डाकू लोग तो घोड़े से आते थे, तो एक एक बटालियन टाइप की जिसमें 20 लगभग जवान थे, तो उसको एक बैकअप के लिए रखा गया कि अगर ये कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या भागते हैं तो हम पीछा करेंगे। जब इतना सब सेट हो गया, उसके बाद जब सर ने कहा कि मैं चारों तरफ से आप लोगों को घेर चुका हूँ, आप लोग घिर चुके हो, अपने हथियार डाल दीजिए, तो उधर से फायरिंग होना शुरू हो गई। फायरिंग होना, जब उधर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, तब इधर जवाबी फायरिंग के लिए एक संकेत दिया था कोतवाल सर ने कि मैं अपने कंधे पे एक गमछा डालूंगा, तौलिया हो या गमछा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कह रहे थे कि गमछा मैंने नीचे तरफ, मैं जैसे इधर ऐसे खींचूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को फायरिंग करनी है। तो जब उधर से जवाबी कार्रवाई जब देने का, इधर से जैसे सामने से गोली चल रही, तो इधर से भी तो आप गोलियाँ चलाओगे, क्योंकि गोली की बात गोली समझेगी, आप उनसे बातचीत थोड़ी ना करेंगे। तब वो सर ने जो है अपना गमछा गिरा दिया, इधर से भी फायरिंग शुरू हो गई। और बहुत देर तक, घंटों फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। फिर ऐसा लगा कि वहाँ से जैसे
उनके जो डाकू लोग थे, उनके गिरोह के लोग थे, वो भागने लगे हैं। जब भागने लगे तो उनको लगा, जब भागने लगे तो इधर से जब कोई आदमी भाग रहा होता है, क्योंकि वो फिर हथियार चलाना बंद करके जब भाग रहा है तो उसको शूट करने में आसानी होती है। फिर इधर से गोलियां जो है तेज़ी से और ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। फिर लगभग 6-7 लोग वहाँ गिर जाते हैं। बाकी बताते हैं सर कि बाकी लोग भाग गए थे, और रूपा डाकू को सर ने ही मारा था, के कोतवाल सर ने। वो आम के पीछे, मतलब आम का जो पेड़ था उसके पीछे छिप कर जो है उसके पास ऑटोमेटिक स्टैंड गन समझ लो या कोई ऐसे अत्याधुनिक मतलब हथियार था। वो सर बता रहे थे कि जिससे वो बार बार जो है अकेला बंदा कई लोगों को कवर कर रहा था। इधर उतने हाई लेवल के हथियार नहीं थे, थे वो, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से लाया होगा या कौन उसको दिया हो, कहाँ से मंगवाता हो, भगवान जाने। लेकिन इधर एक सिस्टमेटिक ढंग से जो सबको दी जाती है वो उनको दी गई होगी, राइफल वगैरह। तो फिर सर का निशाना अच्छा था, इन्होंने एक बार में ही जब जैसे वो गोली चलाता था पीछे पेड़ की तरफ छिप जाता था, फिर उन्होंने थोड़ा पीछे हट के जो है जब ऐसे पेड़ की तरफ छिपता था तो उसको पीछे से निशाना साधते हुए गोली मार दी गई। अब जब गोली मार दी गई तो इतना ही मतलब रहा, थोड़ा बहुत उसके जो जान चल रही थी, सांसें चल रही थी, तो उनके पास गए और बहुत सर को गाली दे रहा था, साले ये तुम के ये तूने क्या किया, मैं देख लूँगा, ये सारी चीज़ें थी। तो सर से बार बार कह रहा था, तो इतना कहते हुए तो सर ने अभी भी वो नहीं मरा था, उसकी फिर से एक गोली मारी, क्योंकि वो सर का जो कोतवाल साहब थे उसका जिए वाला जो हिस्सा होता है उसको अपने जबड़े से दबा के मार एकदम काट लिया, खून निकलने लगा। तब फिर एक और गोली चलाई, ऐसे ही उसका अंत हो गया। फिर वहाँ से SSP साहब आते हैं, उनको बधाई देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलाते हैं। और ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पब्लिक को सुरक्षित महसूस कराते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य, ऐसा जो पुलिस वालों का ध्येय वाक्य होता है वो साबित किया उन्होंने। और बकायदा उनको फिर CM के द्वारा, नारायण दत्त जो तिवारी थे उनके द्वारा उनको अवार्ड दिया गया। तो ऐसे थे हमारे सर KK सर, और ऐसे ख़त्म हुआ आतंक रूपा डाकू का, जो बहुत भयंकर अपना ये समझ लो उस टाइप पे पीक पे था। पीक मतलब उसके जलवा चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम सर ने मारा था। तो आप समझ रहे हैं जब किसी चीज़ की हद ज़्यादा हो जाती, पार हो जाती है, तो उसका अंत तो होना ही है। रावण भी नहीं बच पाया था, तो रूपा सूपा क्या है। ऐसे बहुत डाकू आए, हमारे जवानों ने उनको ढेर कर दिया। तो किसी को दुख किसी को मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और ऐसे ही नई जानकारी और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आता रहूँगा। और जय हिंद, जय भारत। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को पसंद करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई हमसे बोलने में या कोई ऐसी कोई आपको मतलब भाषा हमारी उचित ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।